A very good morning to you all. Zenith here, Chief Dietitian, and this video is for all of you, those who want to be energetic all the time, those who want to keep diseases and aging at bay, and those who want to maintain a healthy weight. तो इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल सी टिप दे रही हूँ जो कि यू नो बी इट अ हॉट समर और अ कूल विंटर इट इज वेरी इजी टू फॉलो. सो द आंसर इज अ कूल क्रिस्प सैलड कैन बी द बेस ऑफ योर मील. तो इस प्रिपरेशन में आई हैव सेलेक्टेड वेरी फ्यू इंग्रेडिएंट्स एंड व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर अ सैलड इट शुड बी अ बैलेंस्ड सैलड. ऐसे नहीं कि आपकी ड्रेसिंग की वजह से आपके सैलड के कैलोरीज बढ़ जाए और यू एंड अप मेकिंग यू नो सैलड विथ हाई कैलोरी एंड हाई फैट विच इज नॉट एट ऑल हेल्दी. एंड इन दिस रेसिपी आई विल शेयर यू वेरी इजी वे टू मेक द ड्रेसिंग. हाँ, स्टे कनेक्टेड, दैट विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो. तो चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स. तो इसमें आई हैव टेकन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. मैंने लिया है स्पिनच है इसमें और केल है और लेटस है. आपके कंट्री में जो भी अवेलेबल है यू कैन टेक इट. और इसमें वेजिटेबल्स में आई हैव सेलेक्टेड टोमेटोज और यू नो क्यूकम्बर्स है, कैरेट्स है, दीज आर फॉर दिस एड्स क्रंच टू योर सैलड. एंड बेल पेपर्स है और बीटरूट है. इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की है. इसमें है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और इसमें है ग्रेन्स और इसमें है सोर्सेस ऑफ गुड फैट्स एंड प्रोटीन्स. तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इस पे यू नो पॉइंट टू बी नोटेड दैट दीज आर यू कैन सेलेक्ट एनी वेजिटेबल्स यू हैव, जैसा कि स्पिनच है और मेरे पास थोड़ा केल पड़ा हुआ था और लेटस थे. आपके पास जो भी अवेलेबल है यू कैन ऐड टू योर सैलड. So green leafy vegetables are very good source of you know almost all the vitamins and minerals. Most of the you know important minerals are like potassium hai aur magnesium hai. So these are loaded with minerals aur isme hai folate aur isme hai vitamin C and vitamin A and potassium. Jaisa ki main bata chuki hu aapke you know it is very important for your मसल कोऑर्डिनेशन और आपकी हार्ट बीट के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो ग्रीन्स प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट. तो ज़रूर इंक्लूड कीजिए ग्रीन्स इन योर सैलड. और कमिंग टू द वेजिटेबल्स विच आई हैव सेलेक्टेड, जैसा कि यू नो क्यूकम्बर्स एंड कैरेट्स है, अगेन दिस एड क्रंच टू योर सैलड एंड वेरी गुड इन स्टेबलाइजिंग यू नो योर ब्लड शुगर लेवल्स और आपके वेट मैनेजमेंट के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है. और बेल पेपर्स है वेरी गुड सोर्स ऑफ अगेन विटामिन सी एंड इम्यूनिटी के लिए काफ़ी फायदेमंद है. और टोमेटोज है, इसमें लाइकोपीन है जो कि यू नो इट इज़ हेल्प्स इन फाइटिंग ऑल डिजीजेस, ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस. और बीटरूट है, बीट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिवर डिटॉक्सिफिकेशन. तो ऐसे नहीं कि अगर आप डायबिटिक हो तो बीट्स को टोटली अवॉइड करें, इसमें फाइबर बहुत है तो इसका ग्लाइसेमिक लोड काफ़ी कम है. तो यू कैन इंक्लूड बीट्स सेफली इन योर डाइट. तो मैंने इसे श्रेड कर लिया है, अगर आप चाहे तो इसे स्टीम भी कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा स्लाइटली कुक भी कर सकते हैं. तो वट एवर फॉर्म यू आर कम्फर्टेबल यू कैन गो अहेड विद दैट. और हाँ, प्रोटीन्स के लिए आई हैव सेलेक्टेड, मेरे पास वॉलनट्स थे, पीकन्स थे, वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, वर्क्स एज एंटी इन्फ्लेमेटरी. और सेसमे सीड्स थे, यू कैन ऐड एनी पम्पकिन सीड्स आप ऐड कर सकते, सनफ्लावर सीड्स ऐड कर सकते, क्यूकम्बर सीड्स, मस्कमेलन सीड्स, बहुत सारे सीड्स. दीज आर ऑल लोडेड विद गुड अमाउंट ऑफ यू नो प्रोटीन्स, जिंक, सेलीनियम, मैग्नीशियम. नट्स आर ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम. तो ये सारे चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं. इट इज़ नॉट अ कस्टमाइज थिंग, यू कैन चेंज इट एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ थिंग्स एट योर होम. और रेजिन्स थे मेरे पास तो आई हैव एडेड दोज. ब्लैक रेजिन्स वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन, तो जिन लोगों को आयरन डेफिशिएंसी है हरी सब्जी, रेजिन्स एंड ऑल विल हेल्प अ लॉट. बीटरूट विल हेल्प अ लॉट फॉर यू. और
मैग्नीशियम आपकी बोन्स हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. और फैट चीज मैंने ऑप्शन रखा है, जो वांट टू गो डायरी फ्री यू कैन गो अहेड. और ग्रेन्स के लिए यू कैन सेलेक्ट बकवीट, और आई हैड किनुआ, सो दिस इज ऑप्शनल. इफ यू वांट टू ऐड यू कैन गो अहेड, अदरवाइज यू कैन जस्ट लीव इट. और ये तो मैं आप एंड में डिस्कस करूंगी इसकी ड्रेसिंग का इंग्रेडिएंट्स क्या है. तो चलिए लेट अस स्टार्ट मेकिंग द मिक्सिंग ऑफ द इंग्रेडिएंट्स. सो नाउ यू सी विल स्टार्ट विद द ग्रीन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. तो इसमें मैं ऐड कर देती हूँ, लेट अस बिगिन विद ग्रीन्स. ये मैं कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो यू कैन यूज़ द होल लॉट. चलिए मैं हाफ क्वांटिटी बनाती हूँ. तो आई हैव एडेड ग्रीन्स, और हियर गोज क्यूकम्बर्स एंड देन कैरेट्स. कैरेट्स भी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सेफ है, आप यूज़ कर सकते हैं. और क्योंकि अगेन यू नो फाइबर कंटेंट इज़ वेरी गुड एंड वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए बीटा कैरोटीन. और देन कम्स बेल पेपर्स. अगर आपके पास हरी शिमला मिर्च हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं. मेरे पास येलो एंड रेड थे तो आई एडेड दैट. में हम डालेंगे टमेटोज. बहुत ही आसान और बहुत ही इजी है, जस्ट यू नो प्री प्रेप विल हेल्प यू अ लॉट. देन अगर आपको ऐड करना है इसमें कोई भी वेजिटेबल्स, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं. तो देन आई वुड थ्रो इन सम nuts and seeds. Again, that will help a lot. Sesame seeds. Rice raisins. जैसे मैं बता चुकी हूँ, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. और जिन लोगों को फैटी लिवर है, बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जिनको फैटी लिवर होता है, तो दिस हेल्प्स अ लॉट इन रिडक्शन ऑफ फैट फ्रॉम द लिवर. इसमें कोलीन है, इट इज़ एन एक्सेलेंट यू नो गुड फॉर बर्निंग फैट. तो ज़रूर ऐड करिए बीट रूट अपने अपने सैलड में. देन फ्यू नट्स and add it. Pecans are again, all nuts are most very good source of proteins and omega 3 fatty acids. Isme B6 hai. Pecans are very good source of B6. Walnuts are very good source of omega 3. Last and finally, these two are optional. अगर आप डेयरी फ्री जाना चाह रहे हैं तो यू कैन स्किप चीज़, और अगर आप ग्रेन्स ऐड नहीं करना चाह रहे हैं तो यू कैन लीव किनुआ. लाइक अगर आप कुछ और प्रोटीन का रिक्वायरमेंट आपके डाइट में ज़्यादा है तो यू कैन गो हेड एंड ऐड किनुआ आल्सो. तो ये बन गया हमारा हेल्दी सैलड. तो चलिए अब बनाते हैं फाइनली ड्रेसिंग. इस पर आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्योंकि बाहर जो ड्रेसिंग्स मिलते हैं उसमें सोडियम काफ़ी ज़्यादा होता है. तो जो लोग हाइपरटेंशन, जिन लोगों को हाइपरटेंशन है उन लोगों के लिए इट इज़ नॉट सेफ. तो अ सिंपल ड्रेसिंग यू कैन मेक इट एट होम फॉलोइंग द इंग्रेडिएंट्स विच आई एम शोइंग इट टू यू. चलिए इसमें ऐड करते हैं एक के बाद एक इंग्रेडिएंट्स, वेरी फ्यू इंग्रेडिएंट्स. ऑलिव ऑयल, लेमन,
और salt and pepper. This is all we need for the dressing. तो चलिए ऐड करते हैं, पहले शुरुआत करते हैं. ऑलिव ऑयल, तो इसका प्रपोर्शन है लाइक 2 टीस्पून्स ऑफ, अगर आप लेमन जूस, 2 टेबलस्पून्स ऑफ लेमन जूस ले रहे हैं तो 1 टेबलस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल इज मोर देन इनफ. और ये ड्रेसिंग आप बना के अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं. ये नहीं कि आप जब भी सैलड बनाओ, एक फ्रेश ड्रेसिंग बनाने का ऐसा मतलब, यू कैन कस्टमाइज इट एंड यू नो पुट इट इन द फ्रिज. सो दिस गोज 2 टेबलस्पून्स ऑफ ऑलिव ऑयल. You can add any oil you have. आप इसमें जैसा कि अगर आपके पास सेसमी सीड ऑयल है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं. इट इज़ यू नो, ठंडे क्लाइमेट में अगर आप रहते हैं तो तिल का तेल इज़ वेरी गुड. और मेरे पास ऑलिव ऑयल था तो मैंने वो ऐड किया. एंड चलिए आप देखते हैं, we can squeeze a bit of lemon. Preparation of dressing is very important. सैलेड में आप गार्लिक या जिंजर भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा क्रश करके ऐड करिए. इट इज बोथ हैज एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट एंड वेरी गुड फॉर यू नो पीपल जिनको आर्थराइटिक पेन है और यू नो जिनके जिनका ब्लड प्रेशर रेगुलेट नहीं हो रहा है. और ख़ास तौर से यू नो जब हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं तो दीज विल वर्क वंडर्स फॉर यू. तो इसमें चले क्या है, लेमन, नींबू, और अब मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा पेपर एंड थोड़ा सा सॉल्ट. ये भी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं. तो ये बन गई आपकी ड्रेसिंग. इसको थोड़ा सा हम यू नो मिक्स करेंगे. और ये कस्टमाइज्ड है, आपको जितनी चाहे आपके यू नो टेस्ट के अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट यू कैन मिक्स इट इन योर सैलेड. आप इसमें अगर आप कुछ हर्ब्स ऐड करना चाहें तो आप जो भी अवेलेबल है इसको आप डेकोरेट कर सकते हैं, जैसा कि कोरिएंडर है. और यू नो अगर आपके घर में अलग अलग किस्म के जैसा कि रोजमेरी है या बेसिल लीव्स है, किसी भी हर्ब से आप इसको यू नो फिनिश कर सकते हैं. सो दोज आर ऑल्सो यू नो इट ऐड फ्लेवर्स टू योर सैलड एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर योर ओवरऑल हेल्थ कंडीशन. तो चलिए तैयार हो गया है आपका सैलड. अरे मैं इसमें चीज़ ऐड करना भूल ही गई. सो यू कैन स्प्रिंकल लिटिल बिट ऑफ चीज. तो ये है आपका फाइनल सैलड, जो कि यू नो लोडेड विथ प्रोटीन्स, फाइबर, गुड फैट्स एंड बहुत सारे एंटी ऑक्सीडेंट्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स विच आर बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ. तो आप भी तैयार कीजिए अपना सैलड और मुझे बताइए आपका सैलड कैसे बना है. और सैलड की एक यू नो अ पॉइंट टू बी नोटेड कि बहुत सारे पेशेंट्स यू नो जिनको कॉन्स्टिपेशन का कंप्लेन होता है, मेरे पास जो ऑन माई डेली बेसिस आई सी देम, तो आई ऑलवेज काउंसिल देम के भैया आप अपनी डाइट में अ फुल बोल ऑफ सैलड ज़रूर इंक्लूड कीजिए, क्योंकि यू नो फाइबर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इससे यू नो स्टमक कैंसर है, कोलन कैंसर है, जो भी अपने यू नो जीआई के डिसऑर्डर्स है उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है. तो आप ये मेरी टिप ज़रूर याद रखिए और इस ईजी रेसिपी को फॉलो कीजिए.